एवरीवन, सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने हमें बहुत सारा प्यार दिया है, और उन लोगों के लिए भी नहीं है जिन्होंने हमारे लिए कुछ वीडियो वगैरह बनाया, एक्स वाई ज़ेड, किसी के लिए नहीं। ये एक्चुअल में उन लोगों को टारगेट किया है जिन लोगों ने ना अपनी एक लिमिट क्रॉस कर दी है, मतलब कॉमेंट सेक्शन हुआ, मैसेजेस हुए और कुछ हरकतें भी हुई हैं, इंसिडेंट भी हुए हैं, जिसके बाद ना हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है, और उन्हीं के लिए स्पेशली ये वीडियो है। तो यार सबसे पहले तो भाई अपन लोगों ने लीगल एक्शन ले लिया है उनके अगेंस्ट, तो मैं बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा हर चीज की कि क्या हुआ, कैसे हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, और एक्चुअल में सफर सबसे ज्यादा इसको करना पड़ रहा है बिना मतलब। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसकी गलती क्या है, इसने कर क्या दिया ऐसा, किसको क्या बोल दिया कि तुम रेप थ्रेट्स दे रहे हो, तुम इनको उठवाने की धमकी दे रहे हो, तुम उस बेचारी बच्ची को गाली गलौज कर रहे हो बैठे बैठे जबरदस्ती की, किसी को भी उठवा लेंगे, रेप थ्रेट, मतलब हलवा है क्या कोई रेप थ्रेट दे रहा है किसी को भी यार, और करा क्या इन लोगों ने बताना, मुझे समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है भाई। किसी ने किसी का पैसे खा लिए, क्या कर दिया भाई, कुछ हो तो सही रीजन, मतलब एक इंसान सहन भी करे तो कितना सहन करे। अभी इतना बुरा इंसिडेंट हुआ ना, हाथ पैर कांप गए हम लोगों के, हाईवे पे हमें लग, एक बाइक आई, हमें लगा कि ना कोई ऐसा है कि फैन, हाय बोला उस बंदे ने, हाय, हमें लगा कि यार कोई हमारा सब्सक्राइबर है, फैन है जो मिलने के लिए बोल रहा है। मैंने गाड़ी स्लो करी, कांच थोड़ा सा नीचे करा, इतना गंदा कमेंट करके गया इसको, मेरे हाथ पैर कांप गए। मैं देखा कि कुछ इसके ऊपर फेंक नहीं दे, कुछ नहीं करते, मैंने गाड़ी दूसरी साइड भगाई इतनी तेज, उसके बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है, और मुझे समझ में नहीं आ रही बिचारी क्यों सफर कर रही है सब चीज को, इसकी गलती क्या है यार। किसी ने बोल दिया, इसने मना कर दिया कि ब्लॉग में मत आना, भाई यार कितना बड़ा गुनाह कर दिया इसने यार, और सच्चाई जानते हो आप उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता, उसको सफर करना पड़ रहा है सब। सच्चाई सुन लो, मैंने बोला था इसको कि बोल दे कि ब्लॉग में मत आना, अब गलती किसकी थी यहां पर, इसकी तो कोई गलती नहीं है। अब जिन लोगों ने इस बेसिस पे इसको इतनी गालियां बकी, ये रेप थ्रेट्स दिए, रेप थ्रेट्स वालों को तो इलाज कर दिया भाई मैंने बहुत अच्छे से, अपन इलाज सबका लीगली करेंगे, जिनको जिन्होंने लिमिट क्रॉस करी ना, मैं देखो उनके लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, जिनको गलत लगी उन्होंने अपना ओपिनियन रखा कि सूरज हमें ऐसा फील हो रहा है, सुयश हमें ऐसा फील हो रहा है, आप क्लैरिफिकेशन दो यार। एक और चीज बताता हूं मैं, कल को एक जने ने लाइव करी, कल को पांच जने और करेंगे, इन फ्यूचर हमारे लिए 10 जने और लाइव करेंगे, मैं सबके लिए क्लैरिफिकेशन नहीं देता रहूंगा ना यार, कि हाँ भाई मैं उधर गलत नहीं था, मैं सच्चा हूं, और बोलने से कैसे क्या, मतलब ऐसे तो चलते फिरते कोई भी मेरे अगेंस्ट लाइव बनाता रहेगा यार, मैं क्या क्लैरिफिकेशन देता रहूंगा यहाँ पर। और चलो ठीक है, क्लैरिफिकेशन कुछ लोग को चाहिए थी यार, कि मैंने कहा यार सूरज कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ बोलो आप लोग, हम वेट कर रहे थे कि चीजें सॉर्ट हो जाए, लेकिन जब लिमिट क्रॉस करी ना भाई, तुम लोग को ऐसा क्या लग गया कि इसने क्या ऐसा कर दिया कि भाई तुम लोगों ने इसको रेप थ्रेट्स देना चालू कर दिया, उठवाने की धमकी देना, यार इसकी क्या गलती, ना कोई वीडियो में ऐसा बोल दिया हो किसी ने, या कुछ कर दिया हो इन लोगों ने यार, कि तुम रेप थ्रेट्स दे सकते हो किसी को, उठवाने की धमकी दे रहे हो यार, ये भी नहीं देख रहे कि भाई उस लड़के के अगले के मां बाप भी हैं, मां बाप को यार। मैं शौक था, मैंने कहा जो अंकल, मुझे पता है इसके पेरेंट्स से मैंने कैसे बात करी, जो अंकल जैसे ही करता था, किसी को नहीं, पहले ऑडियंस को, वो है ना ऐसी गालियां देख रहे हैं, उनसे सहन नहीं हो रही, वो मुझे बोल रहे कि बेटा क्या हो रहा है ये, सही बात, बेटा बच्ची ने कर क्या दिया, और वो चीज भी ब्लॉग में मत आना यार, इतनी कितनी बड़ी बात हो गई, और वो भी मैंने बोली थी इसको बोलने को, अब मुझे क्या पता था कि ये चीजें इस पर इतनी आ जाएंगी, वरना तो मैं कभी इसको बोलता भी नहीं यार। वो जबरदस्ती का मेरे को सबसे, एक तो ये टारगेट बन गए सबसे इजी, मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आ रहा है, वो इंसिडेंट भी इसके ऊपर हुआ, आंसू आ गए इसके आंख से, हाथ पैर ऐसे हो गए, बोले सूरज ये क्या हो रहा है भाई, मैंने क्या गलती कर दी, मुझे बता तो दे सही में, कोई मेरी गलती, मैं इतनी बुरी हूं, मैंने कर क्या दिया किसी का, उसको अगले को लेना देना ही नहीं किसी बात से, मतलब ही नहीं इस ग्रुप में, इस ये बंदी अकेली सबसे ज्यादा काम करने वाली है, सबको संभाल के चलने वाली है यार। यहाँ तो हम लोग के दोस्त हैं यार, हम सब दोस्त हैं, ये मेरा ग्रुप है पूरा का पूरा, कभी देखा इसके दोस्त आ रहे हैं मजे कर रहे हैं, ये बंदी सुबह शाम तक काम करती है, सबको संभालती है, सब कुछ करती है, मतलब इसको मतलब नहीं कि तुम आ रहे हो जा रहे हो, तुम जो मर्जी कर रहे हो, इसको मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस ही नहीं है, ना इन लोग की लाइफ में किसी से मतलब ही नहीं है यार, वो अपना काम करती है, खत्म बात, उसका दिन ही पूरा उसमें चला जाता है, और उसमें उसकी गलतियां निकल गई सारी की सारी। भाई ये टारगेट किस रीजन से हो रही है, आप लोग खुद तो सोचो, आप लोग किस वजह से टारगेट कर रहे हो इसको यार। और वो व्लॉग में बताना, वो भी मैंने बोला था इसको टारगेट कर दिया, क्योंकि भाई इसने उसको जाके बोल दिया, और भाई लोग अगर इतने सच्चे होते ना, तो मेरे पीछे से मेरे काम की ना, मेरी टीम से अपडेट ही नहीं ले रहे होते, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो यार कोई चीज ना किसी वजह से होती है, तो चलो छोड़ो वो भी चीज छोड़ो, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, ये फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी, या सोशल मीडिया की दोस्ती थी,
भाई मैंने इसको बोल दिया चलो भाई कालू मेरे ब्लॉग में बताना, प्रशांत मेरे ब्लॉग में बताना, अब दोस्ती खत्म यार, हंगामा मचा दो तुम तो भाई, ब्लॉग में मना कैसे कर दिया आने से भाई, दोस्ती है कि सोशल मीडिया दोस्ती है या ब्लॉगिंग से दोस्ती बनेगी तुम्हारी? और यार उस बंदे भाई मैं वहां गोवा जाने से पहले भी कुछ दिन पहले तक एक्स वाई जेड बंदे से मिलकर गया हूँ, मेरा घर दिखाया है, मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कैमरा की, मुझे समझ में नहीं आ रहा एकदम से हुआ क्या है भाई, किस बात की फ्रस्ट्रेशन है, किस चीज क्या था भाई, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी। और इधर से सीधे टारगेट हो गई ये, बस यार इसने क्या कर दिया आपको, अभी सीरियसली लगता है हम 24 25 साल के हो गए सारे के सारे, इसके किसी बात बोलने से हम डिसीजन ले लेंगे खुद के, यार ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, मैं इसकी लाइफ में नहीं करता, हमारे म्यूचुअल डिसीजन सिर्फ हमारे काम को लेकर होते हैं। ये कल को बोलेगी कि कालू से बात मत कर तो मैं बंद थोड़ी कर दूंगा भाई, मेरा दोस्त है लोग। अच्छा आपकी चीजें आपसे ही क्लैरिफाई कराता हूँ, आप खुद ही क्लैरिफाई करना उन चीजों को, मैं तो बोलूंगा नहीं, अभी लग रहा है कि भले ये साला बोलते जा रहा है कुछ भी बोल रहा है, आप बोलने से क्या फायदा भाई, सच बोलता तो मैं कभी भी नहीं, क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो मैं किसी को दूंगा ही नहीं और अभी भी उन किसी को भी नहीं दे रहा मैं, बस आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि सफर ये कर रही है, हम पर आती ना बात तो हम समझ भी लेते, संभाल भी लेते, लेकिन चीजें ऐसी बड़ी हो रही है यार, कल को इसको कुछ हो जाएगा तो आप थोड़ी आओगे किसी कुछ करने, मान लो वो गाड़ी वाले ने कांच खोलते कुछ फेंक दिया होता उसके ऊपर, फिर क्या ही कर लेते हम, या आप कुछ कर लेते, या वो लोग जो गालियां बक रहे हैं वो कुछ कर लेते, बस होने के बाद बोलते हैं हाँ ये हो गया वो हो गया, तो होने के बाद थोड़ी ना कुछ जब कुछ वापस हो तो रिवर्स थोड़ी हो सकती है, वही चीज है। मुझे बेकार ही इसलिए लग रहा है कि बेचारी अकेली सफर कर रही है सबसे ज्यादा, जबकि इसकी कोई गलती ही नहीं है, जबरदस्ती की विलन बन गई है, क्योंकि इजी टारगेट था, ऑडियंस थोड़ी थोड़ी कुछ लोग हैं जो कि इसको इजीली टारगेट कर देते हैं। और ये भी चीज देखो, ये रे सारे प्रूफ, इनके आईपी एड्रेस यार कमेंट कर रहे, फेक आईडी बना रहे यार, एक अभी बताता हूँ पूरे के पूरे प्रूफ है यार ये रे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि नाम को तो नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। भाई ये सारे कमेंट्स हैं मेरे पास पूरे के पूरे प्रूफ पे, लिंक्स पे तुम्हारी आईडी है, और किस एक एक बंदे ने दो दो तीन तीन आईडी बनाई ये भी बताता हूँ मैं, सब कुछ पता चल गया भाई। मैं इतने दिनों से इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहा था, जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ ना उसी दिन से व्लॉग आना बंद हो गई, मैंने कहा पहले मैं ये काम करूंगा उसके बाद मैं दूसरा काम करूंगा, इसको कुछ हो गया ना तो फिर मैं किसी को कुछ बोलने लायक नहीं रहूंगा, हाँ इनमें से किसी को भी कोई कुछ कर दे तो फिर क्या होगा क्या यार, तुम किसी से भी इतना इन्फ्लुएंस मत हो, तुम्हें हेटरेट फैलाना है, तुम्हें जो भी बोलो तुम्हारा ओपिनियन रखना बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कहीं फील आता है कि सूरज गलती लग रही है बोलो यार, लेकिन ना बात एक लिमिट से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देख लो, अगर इसको कुछ हो जाता ना तो कोई भी जवाब नहीं देता यहाँ पर आके, चीजें कहीं पर भी चली जाती, तुम तो गालियां बक के निकल जाते भाई, कौन सा मानता है इसको यार। मैं इतना घबरा गया था, मेरे को पहली बार लाइफ में इतना ज्यादा डर लगा कि मैं ऊपर से नीचे तक कांप गया, कि मैंने ये चीज हुआ क्या, ये दूज गई सुन हो गए हम एकदम। तो यार प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, उन लोगों का तो इलाज करूंगा मैं भाई, जिन लोगों ने ये करा है मैं लीगली प्रॉपर तरीके से जा रहा हूँ, मेरे अच्छा कितना भी टाइम लगे इसमें कुछ भी हो, अभी जिन्होंने जिन लोगों ने बोल दिया, जिन लोगों के आगे ना मेरे हाथ में, इन लोगों को तो पकड़ूंगा ही, इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लूंगा, और अब जितने और बोलेंगे ना इसके अगेंस्ट, तुम्हें कॉमेंट नॉर्मल कॉमेंट करना है, ओपिनियन रखना अलग बात है, लेकिन एक लिमिट क्रॉस मत करना, मैं साफ बोल रहा हूँ। और ये गिने चुने ये 100-200 लोग हैं जो कि इस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ही जना 3-3 आईडी बना रहा है, 20-20 कमेंट कर रहा है, इस चीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उनके लिए ये भाई। और एक और चीज मेरे को अच्छी लगी कि प्यार करने वाले इनसे तो बहुत ज्यादा है, बहुत, मैंने ब्लॉग नहीं डाले, इतने मैसेज आ गए, इतने सपोर्टर आ गए यार, वो बेचारे करे भी तो करेगा, कमेंट भी कैसे करें, वो बेचारा एक अच्छा कमेंट करता है तो उसको 20 गाले लग देता है उनके माँ बहन की गाले देने लगता है, उसको क्या करना, उस बेचारा जो कमेंट अच्छा कर रहा है उसकी क्या गलती है भाई इसमें, या जो बेकार कमेंट कर रहे, तुमने सब सच्चाई जान ली तो तुम अच्छे जानती हो सब कुछ, अब मुझे लेना देना नहीं किसी से। मैं चलो आपको एक चीज और क्लैरिफाई करता हूँ, आपको क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ मैं बताता हूँ गलत फेहमी जो फैल रही है कि पैसों का लालच, यूट्यूब पे पैसों का लालच है हमारे को, कि हमारा पैसा हम ही इकट्ठा कर ले पूरा का पूरा। तो एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ, सब आपके सामने, आप खुद ही कैलकुलेशन करना हर चीज की, यूट्यूब के कितने ब्लॉग्स डालता हूँ वो देख लेना, लास्ट 6 महीने के कैलकुलेट कर लेना, एक साल के जितना भी आपको मर्जी हो, एक साल के कर लेना अच्छे से, 1.5 साल के, अभी तक की पूरी लाइफ टाइम की जर्नी कर लेना, जैसे आपको ठीक लगे, कितने व्यूज पे कितने पैसे लगते हैं बहुत मिलते हैं, सारे वीडियोस बने हुए यूट्यूब पे, आप पूरा कैलकुलेशन का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोग ये सब सामान ये सब संभालते हैं ना, पूरा का पूरा कॉस्ट कितना आता है सारा शूट करने में, इसका फ्लैट का रेंट, खाना पीना सबका, घूमना फिरना सबको कैलकुलेट करना, उसके बाद आप कंपेयर करना कि कितना हम बचाते हैं या हमारी जेब से लगाते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। एक बार फार्म हाउस जाते हैं ना तो 20-25 हज़ार रुपए ऐसे चले जाते हैं, और वो वीडियो ना उसका आधे का भी आधा दे पाता होगा ढंग से, 10% निकल जाए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक बार समझो, आप थोड़ा सा खुद से सोचो कि ना भाई हम बोल तो रहे हैं कि पैसों का घमंड, लेकिन एक्चुअल में देखो ना यार कैलकुलेशन करते हैं इनके, कि भाई पैसे कमा भी रहे हैं क्या इतने यूट्यूब से, कि ये
अपन ने YouTube के नाम पर इनको उंगली तो कर दी कि भाई तुम पैसों के चक्कर में तुमने ये सब कर दिया, लेकिन एक्चुअल में गाइस आप खुद कैलकुलेशन करो हर चीज की कैलकुलेशन में, तो हर एक जवाब आपको ऐसा दे रहा हूँ कि आप खुद लगा सकते हो पता हर चीज का कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और एक और चीज चिड़न, भाई अगर हमें जलनी होती ना तो इस ग्रुप में 5-6 चैनल नहीं होते, और उस हर चैनल को खुलते टाइम हम दोनों नहीं होते प्रमोट करने के लिए। पहले बंदे हम ही थे जिन्होंने बोला था कि हमारे भाई का, हमारे दोस्तों का, हमारा इनका चैनल बन रहा है। जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको सब चीजें पता है। एक्चुअल में जो लोग हमें शुरू से देख रहे हैं ना वही हमारे साथ हैं, क्योंकि एक्चुअल में सच्चाई पता ही है। और कुछ लोग बोल रहे हैं बचपन की दोस्ती और वो खराब, भाई इसका भी एक और वीडियो है, मैं भी सफाई नहीं दे रहा, वीडियो देखो, उसमें मैंने बोला कि कौन मेरा बचपन का दोस्त है, कौन मुझसे बाद में मिला है, कौन मिलके गया है, बाद में आया क्या है, सब उसमें बोला हुआ है मैंने। मैं तो आपको सफाई भी नहीं दे रहा, मैं तो आपको सीधे सीधे वो चीज बोल रहा हूँ जो सीधे सीधे आप खुद ही चेक कर सकते हो। बस इतना सा बोल रहा हूँ यार कि जबरदस्ती इसको टारगेट मत करो, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है यार। कुछ लोग, एक और बताता हूँ, इसके अगेंस्ट काफी टाइम से हेटरेट चल रहा था, जबरदस्ती भी बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं इसको, क्योंकि ये व्लॉग में कमाती है भाई। वो फैशन का चैनल चलाती है, वो इंस्टाग्राम के लिए अलग कॉन्टेंट बनाती है, फैशन के यूट्यूब के लिए अलग कॉन्टेंट बनाती है, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म अलग अलग बनाती है। उसके कॉन्टेंट में ना हम सब मिल जाएंगे ना तो भी इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी वो अकेली करती है, लेकिन फैक्ट्स तो कोई सोचता ही नहीं है यार। उसको टारगेट करो, लड़की है ना, कमेंट कर दो फटाक से, टारगेट कर दो यार, आती नहीं है व्लॉग में, एटीट्यूड बहुत है। ये नहीं देखोगे आप यार वो बंदी काम कर रही है भाई, एक मिनट दो मिनट के वीडियो बनाने के पीछे जो मेहनत होती है ना, उसको पूरा मेकअप करना, वो एक ट्रांजिशन लेने के लिए ना उसको पूरा मेकअप करना पड़ता है, उससे रिलेटेड ड्रेस, वो चलो यार काम की चीज छोड़ो यार। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मुझे समझ में यार इसको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है यार बार बार। लोग यानी सोच भी नहीं रहे क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कि अगर हमारे खुद के घर वाले देख लेंगे ना वो चीज, तो लोगों ने ऐसे कमेंट करे ना, तुम एक बार मम्मी पापा के बगल में बैठ के वैसा कमेंट करके बता दो, बताना उनको हमने ये चीज लिखी थी किसी लड़की के उस पे जाके, तो किस बेसिस पे लिखी है व्लॉग में मत आना भाई। एक बात बताओ, इस ग्रुप में हमें जलनी होती ना, और पैसों की एक और चीज बताता हूँ मैं, अगर पैसे हम ही कमा रहे होते ना तो गाड़ियां सबके पास नहीं होती, इतनी गाड़ी नहीं कोई गाड़ी एक साल में। मैं खुद कह रहा हूँ आज जाके मेहनत कर लो, जितने दिन YouTube पे मेहनत करो उतने दिन मेहनत कर लो और गाड़ी खरीद के बता देना, कोई नहीं खरीद सकता भाई इतनी जल्दी गाड़ी। भाई थोड़ा सा सोचो ना यार, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई, और मैं यार इसकी बात करूँ इस बंदी की क्या रिक्वेस्ट है पता है क्या सूरज, मैं तो बस सेकंड हैंड आईटेल लेना चाहती हूँ ताकि मैं इधर उधर की चीजें कर सकूं। वो भी उसने कभी बोला नहीं। हाँ यार, वो सिर्फ इतना सा मुझे बोलता है सूरज, मैं ना इस बार ना आईटेल ले लूंगी एक सेकंड हैंड, मेरा इधर आसपास का घूमना फिरना हो जाए, खुद से संभाल लूं। उसको मैंने गिफ्ट करी, उसने तो खुद ने भी नहीं खरीदी कार, हम सब ने तो फिर भी बड़ी बड़ी कारें खरीदी खुद से ले ली भाई, पहले कार चाहिए, हम अपने पूरे ऐश कर रहे हैं, वो इकलौती है जो सिर्फ पैसा खर्च कर रही है, तो सिर्फ काम में कर रही है, लेकिन टारगेट वही बन रही है कि भाई वही घमंडी है, वही पैसे उड़ा रही है, वो सब कुछ उसी के लिए हो रहा है। वो उसको काम से अपने इतना प्यार है, हम फार्म हाउस भी जाते हैं तो एंजॉयमेंट के साथ अपना काम भी करते हैं, पहले काम करती है फिर जाके मजे करती है, काम जरूरी है काम कर लो यार। वो यार बोल तो रहा हूँ यार, हम तो ग्रुप है पूरा दोस्तों का, उसका तो कोई ग्रुप ही नहीं आता यहाँ पर, आज तक एक फ्रेंड नहीं देखा होगा कभी उसका, ये तो आप लोग के सामने है सारी चीजें, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्यों टारगेट बना रहे हो आप लोग यार। उसके साथ साथ इसकी क्या गलती, लोग इसको कमेंट में गालियां दे रहे हैं बिना मतलब, जबरदस्ती वो बच्ची का ना दिमाग कहाँ यूज कर रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हैं, यानी हमको बस बोलना है आके, मुझे आप मुझे बोलो कोई बात नहीं, आपको बोलना है, जितना लोगों ने लिमिट देखो, जिन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी उनके लिए एक अलग ही इलाज है यार, इसके पेरेंट्स को टारगेट करो, मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के लिए सहन नहीं कर सकती, आई थिंक कोई भी अच्छा इंसान अपने पेरेंट्स के लिए नहीं सुनेगा, नहीं सुन सकता। आप मुझे चार गाली दे रहे हो दे लो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेरेंट्स के लिए कोई बोलेगा सॉरी आई कैन नॉट टेक इट, आई एम वेरी सॉरी। मैं तो देखो सीधी सी बात है यार, तुम किसी वजह से बोल रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन कुछ करा नहीं कुछ नहीं, और भाई एक लिमिट तक ही बोलोगे ना यार, या चलते फिरते किसी को भी बोल देते हो कुछ भी, लिमिट तो क्रॉस मत करो यार थोड़े तो, अगर तुम लोगों को अपने पेरेंट्स ने, तुम लोगों को पेरेंट्स ने कुछ सिखाया तो ये तो नहीं सिखाया होगा ना, कम से कम थोड़े तो मैनर्स रखो यार। और यार कौन वो एक्स वाई जेड, ऐसा भी मत इन्फ्लुएंस हो ना कि किसी की जान पे आ जाए बात यार। अब यही बात अगर मैं भी यहाँ पे बोल दूं आपको कि उस बंदे ने किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया, आप जाके उसके साथ यानी गाली गलौज सब चालू कर दोगे यार। मैं यही चीज बोल रहा हूँ, मैंने कहा यार एक चीज सोचो, एक जने लाइव करा कभी, कल चार जने और करेंगे इन फ्यूचर, आगे 10 जने और करेंगे, तो क्या मैं सबका क्लैरिफिकेशन देता रहूंगा या उनसे सुन सुन के इधर हमसे लड़ते रहोगे, उनसे सुन के आओगे या हमारे को गाली गलौज चालू कर दोगे, उनसे सुन के आओगे या हमारे को दोस्ती के बीच में आ गए, अरे ये इसको मतलब ही नहीं मेरी दोस्ती से यार, दोस्ती नहीं है भाई हमारे पास ना, लिटरली मैसेज कॉल रिकॉर्ड्स की इतनी देर बात हुई, इतनी मैसेज है, सब कुछ है, कभी हमने यार कुछ नहीं बोला कि नहीं भाई हम नहीं बात कर रहे, हम नहीं कर रहे, कभी नहीं बोला आज तक, पता नहीं सीन क्या चल रहा है, क्या बना है अपने भाई यार। देखो दो दो तीन तीन बजे रात, चार चार बजे रात बैठ के बात करी है भाई,
कभी यार मैं वही चीज तो समझ नहीं पा रहा ना कि मैं उस बंदे तक से भी यार दो दिन पहले दो तीन दिन पहले मिल के गया हूँ, घर दिखाया मेरा और ये एकदम से क्या हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं यार, उसकी जो भी होगा हो सकता है कुछ हो गया होगा यार, छोड़ो उस चीज को। तो मैं बस आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मुझे तो दिक्कत भी नहीं, जो आज एक लाइव आ रहा है यार कल को और भी लोग आएंगे, मैं क्या सबसे थोड़ी ना लड़ता झगड़ता रहूंगा यार। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया या इसमें हमने तो क्या यार, टारगेट तो ये इसने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा, और वो जिस बात पे तुम बोल रहे थे वो भी मैंने क्लियर कर दी। बस यार भाई पैसों ही पैसों की बात, यार हमें पैसे बचाने होते ना तो इतना खर्चा हम कर ही नहीं होते, ये साथ में ग्रुप जा ही नहीं रहा होता कहीं पर, हम दोनों जाते मजे करते आ जाते, मूवी देखने जाते हैं ना, आपने देखा होगा 8 जन एक साथ जाते हैं और ऊपर ही बैठते हैं रिक्लाइनर पे। मैंने ऐसा तो नहीं करा ना कि हम दोनों ऊपर बैठ रहे हैं बाकी 6 को नीचे बैठा दो, पैसा तो बचा सकते थे ना हम लोग, ग्रुप को साथ में लेके चलते हैं मजे करते हुए चलते हैं। आज तक यही क्या है कि भाई सब सब साथ में रहे, सब साथ में मजे करे चाहते हैं। कुछ तो चीजें होती है ना यार कि एक एक टाइम आता है कि भाई कुछ चीजें, मैंने बहुत पहले ये भी मैंने ब्लॉग में बोला था कि सबका अपना अपना टाइम है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब निकलेंगे अपना अपना काम करेंगे, कोई भी परमानेंट यहाँ पर नहीं होगा। अब मैं इसको रोक के थोड़ी बैठ जाऊंगा कि भाई यहीं पर रहेगा, यहीं पर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना, और इसकी मर्जी होगी तो जाएगा, और यहाँ पर हम किसी को फोर्स करके बुलाते नहीं कि तुम यहीं रहो, हमारे ब्लॉग में आओ, हमारा काम कराओ, किसी को भी नहीं बोला। सब अपनी मर्जी से आते हैं, सब अपनी मर्जी से जाते हैं, सबका अपनी मर्जी से ही जितना मन होता है उतने चीजें करता है। मैं कभी किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, ना हम में से कोई बोलता है, सब आपस में सबका ही रूल है, जिसका जो मर्जी वैसे रहो, तुम्हें नहीं करना काम मत करो, तुम्हें करना है काम करो, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, तुम्हें नहीं जाना, सबकी अपनी मर्जी है भाई। बस मेरे से एक रिक्वेस्ट है भाई, इसको टारगेट मत करो बिना मतलब, क्योंकि उस बेचारे की कहीं पर भी गलती नहीं है। अब यार उसको वो उसने साफ मना कर दिया, सूरज मेरे बस की नहीं है व्लॉग्स में आना, क्योंकि मैं तो जबरदस्ती की विलन बनी हुई हूँ, अब तुम लोग बना लेना तुम्हारे हिसाब से जैसा तुम्हें ठीक लगे। यार क्यों नहीं आएगी भाई वो व्लॉग में, उसने क्या बिगाड़ दिया किसी का, वो क्यों बोल रही है ऐसा, क्यों रोना पड़ रहा है उसको ऐसे कॉमेंट्स देख देख के, उसकी वो बेचारी सुबह शाम तक मेहनत कर रही है, उसको मिल रहा क्या गालियां, भाई को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज कुछ हो जाता बोले वो इंसिडेंट आज कुछ दिन हम जब जा रहे थे उस दिन अगर कुछ हो जाता तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप लोग कैसे बचा लेते, चलो क्या कर लेते उस दिन हमारे साथ खड़े हो जाते क्या, क्योंकि हम ये तो विक्टिम है यार। अरे आपने दे दिया सब कुछ कर दिया, इसके साथ तो ये होना ही था ना, बहुत लोग बोलते हैं कि तुम तो मर जाओ, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, भाई क्यों ऐसा क्या कर दिया भाई हमने कि हम मर जाने चाहिए। मैंने क्लियर कट बोल दिया आपको यार भाई, सोशल दोस्ती थी कि सोशल मीडिया की दोस्ती थी, थोड़ा सोचो तो। और अगर हम किसी को परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, तो भाई कोई दो तीन साल से देख रहे थे ना, सब साथ में थे, क्यों थे भाई हमारे साथ इतना, अलग हो जाते पहले यार, बेटर रहता, आज ये दिन भी देखना नहीं पड़ता हमें तो। भाई थोड़ा सा गाइस आप लोगों को मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी चीजें सुनो, आज एक सुनिए कल को 10 और सुनोगे किसी के मुंह से, लेकिन है ना थोड़ा सा शांति से समझ के आप ना किसी को कुछ बोला करो, और बोलो आपके ओपिनियन यार, हमें पता है आप हमें इग्नोर नहीं कर रहे कमेंट्स, बिल्कुल कुछ चीजें ना सोच समझ के ही बोली जाती है, मतलब ये बहुत ज्यादा हो रहा है आप लोग इग्नोर कर रहे हो, आपके पास प्रूफ नहीं है। अरे इग्नोर कर रहे हो, मैं इतने दिन जो हुआ ना मैं देखा यार, यार मैंने कहा थोड़े से, क्योंकि ना मेरे पास बहुत अच्छे कमेंट मैसेज खूब आए, मैंने कहा समझ जाएंगे लोग, अभी क्या भावुक हो गए, इमोशंस में बह गए, सब समझ जाएंगे जब खुद देखेंगे सब चीजें। शुरू हमारा ये था इग्नोर करो भाई, ठीक है चलो ठीक है, तो उतर है क्योंकि 10 लोग और खड़े होंगे वो भी बोलेंगे, हम सबको रिप्लाई थोड़ी करेंगे, हमें लगा था कि चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, लेकिन जब वो चीज बढ़ी ना इतनी, क्योंकि वो 100-200 लोग है जो कि गंद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई अब तो फिर अब तुम देख भी लेना। क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहते थे आज यहाँ आप, और मैंने क्लैरिफिकेशन भी देखो आप लोग को दिया, और वैसे ही दिए कि आप खुद चेक कर सकते हो, मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मैं बात बना रहा हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कहा जो चीज है वो मैंने आपको बोल दी, सब कुछ आपके सामने है, और बोल रहे थे लोग आप आओ क्लैरिफाई, देखो आज आप आज हमारे वही चीज है, मैं बताऊं एक और चीज की ना, हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, कल को फिर और चीजें उठेंगी, फिर हम और क्लैरिफाई करेंगे और चीजें, तो स्विश ब्लॉग से स्विश क्लैरिफिकेशन चैनल बस यही करते रहे हम बैठ के, तो ये चीजें ना तो आप थोड़ा सा आप समझा करो कि भाई बहुत सारे लोगों ने समझी भी है, साफ मैसेज आएंगे यार आप लोग छोड़ो हमें पता है आप कैसे हो कैसे नहीं हो, आप लोग मस्त अपना काम करो, आप लोग को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, हम आपके ब्लॉग्स एंजॉय करें, आप डालो ब्लॉग्स, क्योंकि हमने ब्लॉग डाला उसी दिन से मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा जी अब पहले मैं एक्शन लूंगा उसके बाद में ब्लॉग डालूंगा। और बात देखो क्लैरिफिकेशन की ऐसी है कि आज हमारे बारे में किसी एक्स वाई ज़ेड ने बोला, आप हमें गालियां दे रहे हो, हम आपको कोई क्लैरिफिकेशन देंगे कुछ बताएंगे, आप उन्हें गालियां दे रहे हो, जब उनकी माँ बहन को गालियां, वही मैं बोल रहा हूँ क्यों भाई, क्यों हम बोले, क्योंकि वही चीज होती है चीजें बढ़ती चली जाती है और इधर उधर लोगों पब्लिक ऐसे, कोई भी एक्स वाई ज़ेड की माँ बहन भी हमारी माँ बहन है, इसकी माँ बहन है, जिसको ये माँ बोलता है आज भी बोलता है, तो यार थोड़ा सा समझो यार कि अच्छा नहीं लगता यार, पेरेंट्स तक चीजें जाती है ना यार,
कल को मेरी और इसकी लड़ाई होगी ना, तो मैं पब्लिकली आके ऐसी चीज नहीं करूंगा कि भाई इसकी मम्मी को या फैमिली को चीजें अफेक्ट करे। अफेक्ट करे, सही बात है। हमारी यार अंकल को पता चली ये चीज, अंकल को मैं जानता हूँ अंकल कैसे हो गए हैं यार, अंकल का बच्चा क्या हो रहा है, बेटा क्या हो रहा है, तुम लोग रहने दो इन चीजों को यार। ये यूट्यूब मान लिया करना है यूट्यूब वगैरह है, लेकिन इन लोगों से थोड़ी जरूरी है, हमारी फैमिली ज्यादा जरूरी थोड़ी है यार, हम जान पे खेल के ये सब काम करें यार। कुछ चीजों को थोड़ा लिमिट में अच्छा लगता है यार, बहुत आप लोगों तो कमेंट करना है दो मिनट में, चीजें ना बहुत बड़ी हो जाती है, पता भी नहीं चलता है। ये मुझे उसने एक वर्ड बोला था कि सूरज मुझे बाहर निकलने से डर लग रहा है, और वो चीज मैंने महसूस करी ना, तब मुझे इसकी बात याद है कि बोले ये बोल रही थी कि सूरज मुझे बाहर निकलने से डर लग रहा है। एक गट फीलिंग थी, आ गई थी, क्योंकि इतनी चीजें तुम लोग ऐसे बोल रहे हो मैसेज यार, तुम क्या बोलूं यार आप लोग को। 3 साल से वीडियोस देखते आ रहे हो, हमारे तो 5 साल से देखते आ रहे हो यार, और भी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने वीडियो देखी, इतनी बड़ी फैमिली थी, एक पल में धड़ 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 कुछ भी हो गया, मतलब ऐसा तो यार फिर हम कभी आपके साथ वो कर ही नहीं पाएंगे यार, कल को कल और आएगा कोई, हमें तो वैसे रहना पड़ेगा कि भाई लो फिर क्लैरिफिकेशन दो, नहीं तो फिर धड़ 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 हमें क्लैरिफिकेशन उस सिनेरियो में देना जब हमने कुछ करा, हमने कुछ किया नहीं, ऑल ऑफ सडन इतनी चीजें हो गई, हम क्या क्लैरिफिकेशन। चीज कहां उठा रहे हैं, व्लॉग में क्यों आने के लिए मना कर, कम ऑन यार। और मैंने बता दिया आपको यार, सच्चाई तो ये है कि मैंने बोला था इसको कि मना कर दिया, और उस टाइम भी मेरी अलग चीजें थी कि मैं सीधे बात नहीं कर रहा था किससे भी, तो मैंने इसको बोल दिया, बन गई विलन ये, मुझे पता तो सर मैं कभी इसको बोलता ही नहीं, एक चल रहा था जो कि बहुत बुरा था, मैं भाई बहन किससे ही बात नहीं कर रहा था, किसी से भी, इन सब किसी से भी नहीं बात कर रहा था, मैं अपने उसमें था कि मैंने कहा यार ये चीज तू देख ले, इनको बना दे, चल ये बात हर किसी को पता थी। हाँ, और ये भी चीज सबको पता थी कि मैं बहुत उस चीज में हूं, बहुत चीजें बहुत खराब थी, बहुत कुछ मैं उस चीज में हूँ कि भाई मैं किसी से ना बात कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने यार अभी सही टाइम नहीं है, अपन बाद में देखेंगे हर चीज को, ये थी। लेकिन यार अभी ये जबरदस्ती यार मुझे मेरे चक्कर में ये टारगेट बन गई यार जबरदस्ती की, इसको आने लग गया जबरदस्ती का हेट, और इतनी लिमिट क्रॉस हो गई, तो मुझे अच्छा नहीं लगा यार बिल्कुल भी यार ये चीज। तो वही लोग पैसों का घमंड है, पैसों भाई पैसों का कहां से घमंड है यार, मैं तो हम तो लुटाते हैं इतनी तरीके से, और कैसे लुटाएं घमंड यार। एक और चीज, इसके लिए कुछ ला रहा हूं तो शो ऑफ हो गया, किसी और को कुछ दे रहा हूं तो अच्छी बात है, मैं खुद के लिए ला रहा हूँ तो शो ऑफ हो गया, किसी और को दे रहा हूँ तो अच्छी बात है, तो यार क्या करें, हम आपको दिखाना ही बंद करते हैं वो चीजें कि हम खुद के लिए भी कुछ ला रहे हैं, तो मतलब लिमिट, मतलब हम लोग कहीं से अच्छे बन ही नहीं सकते, सीधे सीधे हम टारगेट हो रहे हैं, टारगेट हो रही है। अगर हम कुछ करते हैं और वो आपको नहीं जाता, मतलब हमारे भाई हम ऐसे हैं कि हमने कभी चीजें कुछ किए तो नहीं जताई, क्योंकि वो हम नहीं चाहते भाई, हम चाहते हैं हम सीधे अच्छे काम करें, उल्टे को पता ना चले, हमारे भाई यही रूल्स है, हमने कभी कोई चीज करी है तो नहीं जताई। हाँ। अब किसी ने जता दी और ज्यादा जता दी, इसका ये मतलब नहीं है कि हम गलत हो गए, बिल्कुल। तो यार थोड़ा शांति से सब चीजों को देखो यार, कोई अगर हेटरेट फैलाने की कोशिश कर रहा है ना, तो मैं तो यही कहूंगा आपको, ठीक नहीं लगता तो यार एक लिमिट क्रॉस मत करो, आपको जैसा फील आता है वो आपका डिसीजन है कि जो भी आप ले रहे हो, मैं अभी बोलूंगा आपका जो डिसीजन है वो आप लो, मैं तो अभी भी नहीं बोल रहा कि मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि भाई लिमिट क्रॉस मत करो, क्योंकि वो हम लोगों की चीजों पे आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, और स्पेशली ये बोल भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि सबकी सजा ना इसको मिल रही है जबरदस्ती की, तो प्लीज इसीलिए वीडियो था कि भाई चीजें थोड़ी समझो, और ना कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचो कि किसी की लाइफ पे कुछ भी इफेक्ट पड़ सकता है उसका, और उकसाने के चक्कर में ना कुछ ऐसे लोग भी उकसा जाते हैं कि कुछ गलत हो जाए, तो वो चीज के सिनेरियो तक मत पहुंचाओ किसी भी चीज को। कोई कुछ कह नहीं रहा है, क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब जब तक उसका डैमेज नहीं होगा तब तक आप उसे सही मानोगे नहीं, मतलब तब डैमेज होना जरूरी है, तो ये बर्बाद हो जाओ मर जाओ कोई ये वो, अरे यार भगवान चीज ना, मतलब एक लिमिट तो क्रॉस मत करो यार, भगवान भगवान सबके साथ रहे, और सच्चाई ऐसा है कि जो कह रहे क्लैरिफाई करो, मैं आपको बता देती हूँ सच्चाई कभी नहीं छुपती, चाहे उस पर कितनी झूठ की लहर आ जाए, सच्चाई एक दिन सामने जरूर आएगी, और जब आएगी तो शायद जो लोग आज गाली बक रहे हैं, जो हमारे मेरे को बोल रहे हैं, मेरी मम्मी को बोल रहे हैं, सब अपने आप को मिरर में भी नहीं देख पाएंगे, रियली सॉरी। वही चीज बोल रहा हूँ कि इसको आप लोगों ने भर भर के गाली तो बक ली, अब आपको पता चलेगा ना इसकी गलती नहीं थी, इसने तो वो बोला भी नहीं था, मतलब बोला इसने था वरना मैं इसको बोलने वाला, तो अब इससे सॉरी मांग लोगे, आपने हिम्मत है सॉरी मांगने की, गाली तो पटाख से लिख दी थी, एक एक नहीं 10-10 लिख दी थी, 10 बार सॉरी बोलो लो इसको, जिन लोगों ने भी गाली बकी थी, मैं भी देखता हूँ देखें कितने कमेंट्स आते हैं, बोलना देखो इसको सॉरी, नहीं कर पाओगे यार आप, क्योंकि हेटरेट फैलाना बहुत इजी होता है,
और नफरत फट से फैलते हैं, जल्दी फैलता है, जल्दी लोग ग्रैब करते हैं, लेकिन सच्चाई एक बार जहाँ आ गई ना उसके बाद नफरत नहीं आती। लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था कि वो लिमिट क्रॉस हो गई थी, वरना तो बनाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है भाई प्यार करने वाले बहुत ज्यादा और उन बेचारों वो भी कॉमेंट ज्यादा थे हमारे प्यार करने वाले, लेकिन क्या उन लोग को भी जबरदस्ती की गालियां सुनने को पड़ गई। वो कमेंट करना उन लोगों ने बंद कर दिया कि अच्छा सा कमेंट करो, 10 लोग गालियां बक देते उनको, एक एक जना 5-5 बार गाली बकते, तो बेचारे वो भी क्या करें कि भाई उनके पास नोटिफिकेशन आ रहे गालियों के, तो उन लोगों ने भी बोला कि भैया इससे तो पीछे हट जाओ बेटर रहेगा। यानी सेम लोगों के मैसेज है मेरे पास भाई, सही बता रहा हूँ, लिटरली मैसेज है लोगों के कि भैया हम लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का साथ दे रहे हैं, मतलब आप लोग सही है ये चीजें बता रहे हैं, लेकिन लोग हमें उल्टा गाली दे रहे हैं। तो हमारे सपोर्टर भी कैसे बोले यार, क्योंकि नफरत वही चीज है ना कि डिफेंड नहीं कर सकते, नफरत तो फट से यार तुम गाली बकरो, 4-4, 6-6 बक दी, 3-3 आईडी से बक दी, और ऊपर से फिर घमंड हो रहे फेक आईडी से गाली बकने के बाद घमंड हो रहे करके कुछ गलत बोल के देखो हमें। और यार मेरे को समझ में नहीं आ रही फेक आईडी क्यों बना रहे हो यार, असली आईडी से बोलो ना, क्यों तुम असली आईडी से दो ना एक थ्रेट, क्यों तुम्हें तुम्हारी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है, तुमने बड़े चौड़ से बोला ना कि उठवा देंगे, रियल आईडी से बोलो यार, तुमने तो बड़ा अच्छा काम बोला है, क्या मस्त कमेंट करा तुमने, तो एक बार रियल आईडी से ही बोलो। एक बार बनानी पड़ रही है, एक बार मुझे कह रहा हूँ ना, एक बार सिर्फ एक बार अपनी मम्मी या अपनी सिस्टर आपके घर में अगर है तो उनको पढ़वा देना, कुछ बोलना मत, वो मुझसे अच्छा जवाब आपको देगी, बहुत अच्छा, मेरे से अच्छा जवाब देंगी वो। तो भाई प्लीज एक और भाई लास्ट फाइनल रिक्वेस्ट है कि लिमिट क्रॉस मत करो, और जो लिमिट क्रॉस करेगा भाई मैं ये एक्शन लूंगा ही लूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि जो है ये तो जा रहे हैं, ये तो चली गई, एक्शन में लूंगा और मैं कंटिन्यू लूंगा, मैं तो सबक सिखा के रहूंगा, क्योंकि यार आज तो हम आज तुम हमें बोल रहे हो यार, कल को 4 लड़कियों को और बोल रहे होगे और 10 लड़कियों को बोल रहे होगे, जब तक जवाब मिले सोसाइटी के लिए भी थ्रेट है, तो बेटर है कि उन्हें एक बोलते ना सबक जरूर। हाँ बिल्कुल, और ये एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है जब तुम इसको बोल सकते हो तो तुम चलते फिरते पता नहीं कितनों को बोल दियोगे, और कितनी लड़कियां तुमसे डर डर के रह रही होगी। और आप भाई ये तो आपने इस हमारी इतनी सालों की जर्नी इसमें हमसे बहुत अच्छी चीजें आई होप सीखी होगी, बिल्कुल ये चीज जरूर सीख लेना कि कोई गलत बोले ना तो उसको ऐसा जवाब दो कि 10 बार सोचे, लड़की के लिए अगर लड़की के लिए कोई गलत बोले तो जरूर से जवाब देना, क्योंकि लड़की में हिम्मत नहीं होती, वो एक बार ऐसी चीज सुन के वो जब वो तुरंत डिलीट करती है पहले कमेंट की, क्या बोल रहे हैं यार ये गंदी सी चीज यार मुझसे नहीं सहन हो रही, लड़की ऐसे रिएक्ट करती है, तो कोई अगर कमेंट आपको दिखे भी ना तो उसको 10 ऐसे जवाब देना कि वो शर्म से डिलीट कर दे उस कमेंट को। ये चीज है, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, बाकी मैं तो अपना काम पूरी अच्छे तरीके से करूंगा, मैं जवाब दूंगा इन लोगों को जिन लोगों ने रेप थ्रेट्स दिए हैं, धमकियां दी हैं, मैं अच्छे से जवाब दूंगा। बाकी रही बात ब्लॉग्स की, वो आप मेरे को बस मैं इसका वेट कर रहा था कि मैं एक बार अपना मन शांत कर लूँ कि मैं इनके अगेंस्ट एक्शन ले लूँ, उसके बाद ही मैं अब अपना काम चालू करूंगा। अब मैं अपना काम चालू करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद से, जल्दी ही आपको व्लॉग से मिलने लग जाएगा। बस यही था आज का वीडियो। और एक और चीज गाइज, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप लोगों के हेटरेट फैलाने से आपको ही नुकसान हो सकता है, तो मैं यही बोलूंगा कि कहीं पर भी हेटरेट मत फैलाओ प्लीज। यहाँ पर भी वही चीज है यार, नहीं अच्छा लगता यार, बिल्कुल माहौल बिगड़ जाता है यार, अच्छे हंसते खेलते रहो यार, हम लोग भी तो हंसते खेलते रहते हैं पूरे टाइम, आप लोग भी हंसते खेलते रहो और मजे करो यार। नहीं चाहते नेगेटिविटी आए, भी सच में नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लोग हमें देखे तो उनके फेस पे स्माइल आए, ना कि कोई और इमोशन। हाँ, कोई इम्प्रूवमेंट है, कोई ओपिनियन है, वो आपका बिल्कुल वेलकम है, वेलकम है, लेकिन ना बस हेटरेट कहीं पर भी मत फैलाओ। यहाँ तो क्या, कभी भी कहीं पर भी किसी के भी आप फैन हो ना तो उसके अगेंस्ट कुछ भी होता है ना, हेटरेट मत फैलाओ जब तक ना चीजें सही नहीं हो, और अगर गलत होगी तो वो सजा उसको मिलेगी। कर्मा नाम आपने भी सुना है ना, कर्मा, मुझे ही बहुत लोगों ने मैसेज करा कर्मा। हाँ। मैं भी कर्मा का ही वेट कर रहा हूँ, लोग हमें मैसेज कर रहे हैं आपके कर्मा आपको हिट करेंगे। बिल्कुल, मैं वेट कर रहा हूँ यार, मैं तो खड़ा हूँ, हम वेट कर रहे हैं। मैं तो खड़ा हूँ कि कर्मा आए मेरे पास यार, अगर मैंने गलत करा तो सुनूंगा यार, गलत तो आप लोग जो गलत करेगा वो भरेगा यार, मेरा सीधी सी बात है। और आप लोग भी ना कभी भी हेट मत फैलाओ कहीं पर भी इस तरीके से, आज हेट अगर आपको सब कुछ है कि आप मेरी जगह इसकी जगह खुद को रख के देख लो, और एक बार प्लीज हमारे पहले पुराने ब्लॉग्स देख लेना, अगर कहीं हमारे आंसू हमारी खुशी कुछ भी झूठी आपको लगे तो प्लीज हमें बता। बिल्कुल, और एक और चीज है ना, आप इसकी आप ना एक अपनी बहन को या किसी को भी लेना इसकी जगह रखना कि दीदी ये कमेंट्स ना आपके लिए आए, एक बार पढ़ो इनको, फिर आपको देखना वो क्या जवाब देंगे, तो आप एक्चुअल में समझ पाओगे चीजें कैसी होती हैं और कैसा मेंटली डिप्रेशन ये चीज लाती है, मेंटल हैरेसमेंट कहते हैं ना, वो ये है, वो एक्चुअली मेरे साथ हो रहा है। मुझे आपने कुछ बोले लायक कुछ लोगों ने छोड़ा नहीं है, मैं सबके लिए बोलूंगी कि बहुत लोग मेरे लिए बहुत प्यार से, वही तो बोलो ना, बहुत प्यारे लोग तो कमेंट भी कैसे करें, उनको गालियां पड़ रही है, उनको गालियां पड़ रही है, लेकिन सिंपल लोगों ने मेरी स्टेट कर दी कि मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, कुछ कर नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी गलत साबित हो गई हूँ लोगों की नजर। उस दिन जब ये चीज हुई ना, मैंने ब्लॉग नहीं डाला, मेरा दिमाग खराब, लोग बार इसको मैसेज तेरे चक्कर में ब्लॉग नहीं डाला, तू ही है सबकी जड़, अरे ये क्या इकाई की जड़ है भाई, इससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी पर्सनल, क्या इसने क्या कर दिया भाई, मुझे यही समझ नहीं आ रहा, आप लोग खुद से पूछो इसने कर क्या दिया,
एक चीज थी वो मैंने क्लियर कर दी अब, और उस चीज के लिए भी ऐसी 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 ये आप इसको ट्रीट करोगे इस तरीके से, और सारी क्लैरिफिकेशन मैंने दे दी यार। इसी देख और डिटेल में नहीं करनी, बात सब कुछ सॉर्टेड है, आप लोग भी समझ गए होंगे सब आपके सामने, मैंने जो जो बोला आप खुद चेक करो, आराम से चेक करो, फिर आके जो कमेंट करना है करो, आपकी मर्जी है। बस एक चीज है, लिमिट क्रॉस मत करना, और जो आप ओपिनियन दोगे वो हम मानेंगे बिल्कुल, आपका मान के चलेंगे, आप लोग की सुनेंगे बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन ना कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि बहुत वो हो जाता है इंसान यार कि क्या करें, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यार। और ऐसा नहीं है कि आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, हम ये अगेन वही चीज की हम बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी हो सकता है बहुत लोग हाँ, एक और चीज मैं कोई वीडियो नहीं बनेगा इसके बाद, मैं कभी क्लैरिफिकेशन में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया कि आज एक बना रहा है, कल 10 लोग और बनाएंगे, मैं सबकी क्लैरिफिकेशन देने आऊंगा, ये फाइनल वीडियो है। बस मैं इसलिए ये वीडियो बना था क्योंकि इसके ऊपर जो चीज होगी ना, तो फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत तो एक बार बोलना ही पड़ेगा, लिमिट क्रॉस हो गई, क्योंकि आप लोग जो लोग भी हमको देख रहे हैं आप अपने खुद से पूछना, दिल से पूछना कि आप लोगों को लगता है कि हम लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं क्या, ऐसा जो गलत बोलेगा लीगल एक्शन लेंगे, गलत को तो नहीं छोड़ेंगे, बात ऐसा कोई भी नहीं आएगा। मैं बताता हूँ आपको एक और चीज, गलत आपको लगता है बोलो, लेकिन एक लिमिट क्रॉस, बस ये चीज है। गलत बोलना आपको लगता है गलत बोलेंगे यार हम तो गलत, हम कैसे रुक जाएंगे, मुझे भी कहीं गलत लगेगा तो मैं भी बोलूंगा, लेकिन लिमिट क्रॉस नहीं करूंगा मैं यार, जब तक मुझे सब चीजें पता नहीं होंगी, लिमिट क्रॉस मत करना बस प्लीज, क्योंकि ना वो हमें बहुत परेशान करती है चीज। आप लोगों को देख के ना, आप लोगों को देख के ना और भी लोग उससे उकसा जाते हैं कि भाई और ऐसे, वो भी 10 कमेंट फिर वैसे ही करते हैं, तो वो क्या नहीं झेल पाती यार लड़कियां। और वन साइडेड स्टोरी और इमोशंस की मैं मानती हूँ कि लोगों को देखो इमोशंस में बहना कोई गलत चीज नहीं है, आज हम भी इंसान है बह जाएंगे, लेकिन फैक्ट्स को प्लीज मत भूलो, क्योंकि और थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द डे सच ही इंपॉर्टेंट है, और वही निकलेगा। बोले ना तो एक बार है ना सोचा करो शांति से, कॉमेंट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले। तो यार अब अच्छे से वापस से वाइब में आते हैं, अपनी मजे करते हैं, चिल करते हैं, आगे वापस जर्नी अच्छी से स्टार्ट करते हैं, और भी अच्छे से स्टार्ट करते हैं, तो ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।